हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़े WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में जो हो सकती है एट समर स्लैम। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। कौन सी बड़ी मैच हमें देखने मिलेगी फॉर WWE चैंपियनशिप एट समर स्लैम, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, यस्टरडे के रॉ के रेटिंग्स आ चुके हैं और ये रेटिंग्स काफी डिसेंट है। रॉ को फर्स्ट आर में मिले हैं 2.38 मिलियन व्यूअर्स, सेकेंड आर में मिले हैं 2.50 मिलियन व्यूअर्स एंड थर्ड आर में मिले हैं 2.48 मिलियन व्यूअर्स। और रॉ के एवरेज व्यूअरशिप है 2.45 मिलियन व्यूअर्स। हाईएस्ट व्यूज ऑफ रॉ वीडियोज है ब्रे वाइट अटैक फिन बैलर, जिसको मिले हैं 2.2 मिलियन प्लस। सेकेंड है ड्रेक मैवरिक होटल सीन, उसको मिले हैं 1.7 मिलियन प्लस। और थर्ड है मेन इवेंट बैटल रॉयल, जिसे मिले हैं 1.5 मिलियन प्लस। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो जुड़ी है केविन ओवंस एंड शेन मैकमैन से। दोस्तों, केविन ओवंस काफी डोमिनेट कर रहे हैं शेन मैकमैन को, जिसकी वजह से ये राइवलरी काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। और इन दोनों की मैच तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है एट समर स्लैम। पर इस मैच के लिए जो स्टिप्यूलेशन होगा वो काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रैड शेफर ने रिपोर्ट दिया है कि WWE प्लान कर रहे हैं केविन ओवंस वर्सेस शेन मैकमैन की मैच एट समर स्लैम, एक स्टील केज मैच। जब लास्ट टाइम शेन मैकमैन एंड केविन ओवंस मिले थे रिंग में, तभी उनकी मैच हुई थी इन हेल इन अ सेल। उस वक्त केविन ओवंस हील थे एंड शेन मैकमैन फेस थे, बट अब थिंग्स काफी ऑपोजिट है। यहाँ पर केविन ओवंस फेस है एंड शेन मैकमैन हील है। तो चलिए अब बात करते हैं मेन न्यूज के बारे में जुड़ी है WWE चैंपियनशिप से। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के डिजास्टर के बाद सभी होप कर रहे थे कि WWE टाइटल का नंबर वन कंटेंडर काफी लेजिट एंड डिजर्विंग हो। आज के स्मैकडाउन लाइव में कोफी से टाइटल शॉट मांगने बहुत सारे सुपरस्टार्स आए थे, लाइक समोआ जो, इलायस एंड रैंडी ऑर्टन। देन उनकी एक टैग टीम मैच होती है जहां पर रैंडी ऑर्टन कोफी किंगस्टन को पिन करके वो मैच जीत जाते हैं अपनी टीम के लिए। अब दोस्तों, इस चीज से हमें स्ट्रॉन्ग हिंट मिल रही है कि रैंडी ऑर्टन बन सकते हैं नंबर वन कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप एट समर स्लैम। और दोस्तों, रॉ में बैटल रॉयल में रैंडी ऑर्टन के लिए जबरदस्त सपोर्ट देखकर विंस मैकमैन उन्हें नंबर वन कंटेंडर बना सकते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम। और दोस्तों, रही बात रोमन रेंस की, तो उनका रोल आज के स्मैकडाउन लाइव में सिर्फ दो लाइन बोलने का ही था। और फिर उन्होंने स्मैकडाउन खत्म होने के बाद एक डार्क मैच भी किया विद ड्रू मैकइंटायर, जहां पर रोमन रेंस की जीत हुई। तो दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो रोमन रेंस के लिए कोई भी लेजिट ओपोनेंट नहीं है एट समर स्लैम। और रोमन रेंस को क्राउड से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, इसलिए विंस मैकमैन उसका एडवांटेज लेकर रोमन रेंस को डाल सकते हैं WWE चैंपियनशिप पिक्चर में, जिससे फिर ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा, कोफी किंगस्टन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस फॉर WWE चैंपियनशिप। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि WWE क्या डिसीजन लेते हैं इसके बारे में। अगर ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच की तरीके से बुक होता है तो ये काफी अच्छा बुकिंग डिसीजन होगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आप WWE चैंपियनशिप की मैच एट समर स्लैम एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखना चाहेंगे। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।